हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रेष्ठी बिष्ट। मध्य प्रदेश में नाबालिग छात्रा का एक विश्वविद्यालय के सामने से अपहरण कर लिया गया, बाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म भी हुआ। यह पूरा मामला ग्वालियर जिले का है और एक तरफा प्रेम से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक विश्वविद्यालय के सामने से नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के बाद उसे जयपुर ले गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। लापता छात्रा को पुलिस ने जयपुर से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 16 वर्षीय यह छात्रा 2 दिन पहले लापता हो गई थी। छात्रा के परिजनों ने लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस छात्रा की तलाश करने में जुट गई थी। पुलिस को पता लगा कि छात्रा जयपुर में है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अमित सांधी के नेतृत्व में पुलिस की टीम जयपुर पहुंची और छात्रा को बरामद कर लिया गया। मौके पर ही सही लेकिन आरोपी युवक आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था, इसके चलते उसने यह ठोस कदम उठाया था। पुलिस अधीक्षक अमित सांधी ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देश दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद भारत के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।